राजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नवजात शिशु के मिलने से मचा हड़कंप, जिला अस्पताल किया गया रेफर। राजपुर थाना क्षेत्र में एक जीवित नवजात शिशु मिलने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजपुर थाना क्षेत्र के चिंदी घाटी में वन विभाग के चौकीदार को घाटी के निकट नाले में शिशु के रोने की आवाज आई, जिसके बाद वह उसे लेकर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर लेकर पहुंचा, जहां पर उसकी जांच कर राजपुर पुलिस विभाग को सूचना दी गई। पुलिस थाना प्रभारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए जीवित नवजात को जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि दावत नर्सरी के आसपास से नवजात शिशु मिला है। वहीं शिशु की स्थिति देखकर 8 से 10 दिन का होना बताया जा रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हम लोगों को सूचना मिली थी कि चिंती घाटी के पास जंगल में एक नवजात शिशु जीवित अवस्था में कोई पटक के चला गया है। सूचना पर मैं और मेरी टीम वहाँ पे गई थी, जिसको हमने शिशु को उठाकर अपने सरकारी अस्पताल राजपुर में भर्ती करा दिया गया, जहाँ उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद बड़वानी रेफर कर दिया गया है। इसमें हमने अज्ञात अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और सूचना भी ले लिया गया है। आज दिन में 3 बजे के करीब दानोद नर्सरी के चौकीदार और एसआई पंडित थाना राजपुर एक लावारिस लेके आए थे। दानोद नर्सरी के आसपास से कहीं मिला था। सर, ये कितने दिन का नवजात लगता है? अंदाजन 8 से 15 दिन के बीच का हो सकता है। जी सर, और आप किस कंडीशन सर? उसको प्राथमिक उपचार करके उसकी कंडीशन तो अच्छी है। जहाँ जहाँ थोड़े बहुत छोटे छोटे रगड़ के निशान थे, वहाँ कुछ कीड़े हो गए, तो उनको साफ करके प्राथमिक उपचार देके उसको HNCU जिला अस्पताल बड़वानी भेज दिया, आगे इलाज के लिए और सेवा के लिए भेज दिया। कहाँ से लाए बच्चे? चीनी घाटी के। चीनी घाटी में कहाँ की जगह? नीचे नाले में। नाले में थी। तो तुमको भी कैसे पता लगा कि आवाज़ है बच्ची की? बच्ची की आवाज़ भी आई, बच्चों ने बताया हमको, हम चौकीदार सब लोग देखे। अच्छी अच्छी लड़का है ना, रो रही थी है ना? हाँ, रो रही थी। और तुम्हारे साथ और लोग भी होंगे है ना? हाँ, हमारे साथ होंगे सर। डीजीएनए न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट, राजपुर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट